तो नमस्कार दोस्तों, मैं मयंक कुमार और आज की इस वाली वीडियो में हम लोग बात करेंगे Realme 6s स्मार्टफोन के बारे में। तो ये स्मार्टफोन लॉन्च हो चुका है यूरोप के अंदर, जो कि इसके काफ़ी सारे फीचर्स को रिवील करता है और इसकी प्राइसिंग के बारे में भी हमें एक हिंट देकर जाता है कि किस प्राइस रेंज पर ये स्मार्टफोन इंडिया के अंदर लॉन्च होता है। तो इसके बारे में बात करने के लिए हम लोग शुरुआत करते हैं इसकी डिस्प्ले से। तो भाई, यहाँ पर हमें 6.5 इंचेस का IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिलता है, जिसका रेजोल्यूशन है 1080x2400 पिक्सल्स का, यानी कि फुल HD प्लस का रेजोल्यूशन है। साथ ही साथ 85% का स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है। इसके अलावा 8.9 mm की दी गई है इसकी थिकनेस और 191 ग्राम्स का होगा इसके अंदर वजन। फ्रंट और बैक में प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पर कॉर्निंग के गोरिल्ला ग्लास 6 का भी सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। इसके बाद बात करें इस स्मार्टफोन के कैमराज की, तो यहाँ पर हमें पीछे की तरफ क्वाड कैमराज का सेटअप देखने को मिलता है, जिसके अंदर मेन कैमरा होगा 48 मेगापिक्सल का, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल की काम आएगा, 2 मेगापिक्सल मैक्रो कैमरा, 2 मेगापिक्सल डेप्थ कैमरा। इसके अलावा यहाँ पर आपको 4K की रिकॉर्डिंग का सपोर्ट मिलता है, 1080p की रिकॉर्डिंग का, और सपोर्ट मिल जाएगा सुपर स्लो मोशन की वीडियोज़ भी रिकॉर्ड करने का। और फ्रंट कैमरा यहाँ पर हमें पंच होल के रूप में देखने को मिलेगा, जो कि आएगा 16 मेगापिक्सल का, HDR के फोटोज लेता है और 1080p की रिकॉर्डिंग करता है। इसके अलावा बात करें इसमें प्रोसेसर हार्डवेयर परफॉर्मेंस यानी कि इसके चिपसेट वगैरह की, तो यहाँ पर हमें मीडियाटेक का हीलियो G90T चिपसेट देखने को मिलता है, जो कि ओक्टा कोर का CPU है और बना है 12 नैनोमीटर के प्रोसेस पर। और यहां पर हमें एंड्रॉइड का लेटेस्ट वर्जन 10 भी मिल जाता है और रियलमी UI का भी सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा बात करें इसी स्मार्टफोन के अंदर स्टोरेज ऑप्शंस की, तो अभी के लिए तो ये स्मार्टफोन एक ही ऑप्शन के साथ आता है, जो कि है 4GB और 64GB। इसके अलावा जब ये इंडिया में लॉन्च होगा तो यहां पर हमें इसके कुछ और वेरिएंट भी देखने को मिल सकते हैं, लेकिन अभी के लिए एक ही वेरिएंट है जिसके अंदर हमें एक्सपेंडेबल स्टोरेज का ऑप्शन मिलता है 256 GB तक। इसके अलावा बात करें इसी स्मार्टफोन के बैटरी की, तो यहाँ पर हमें काफ़ी बड़ी बैटरी, लॉन्ग बैटरी देखने को मिलती है, जो कि है 4300 mAh की। इसके अलावा यह नॉन रिमूवेबल है और फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। यहाँ पर हमें सपोर्ट मिलता है 30W तक की फास्ट चार्जिंग का, जो इस फोन को तकरीबन 60 मिनट में 100% चार्ज कर देता है। और ये फास्ट चार्जर हमें बॉक्स के अंदर ही देखने को मिल जाएगा, जो मुझे रियलमी कंपनी की काफ़ी अच्छी बात की। इसके अलावा बात करें फोन के कुछ और फीचर्स की, कुछ और इसके की फीचर्स की, तो यहां पर हमें USB Type-C का सपोर्ट मिलता है, फेस अनलॉक का सिस्टम मिलता है, 3.5 mm हेडफोन जैक भी मिल जाएगा, फिंगरप्रिंट सेंसर जो है वो फोन के साइड में मिलेगा, साइड माउंट फिंगरप्रिंट सेंसर है, 4G का सपोर्ट है, डुअल सिम का सपोर्ट है, और यहां पर हमें NFC का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है, जो कि इस प्राइस रेंज में काफी अच्छा फीचर है। इसके अलावा बात करें फोन की प्राइसिंग और इंडिया लॉन्च वगैरह की, तो अभी तो इसकी इंडिया लॉन्च कंफर्म नहीं हुई है, लेकिन जैसे कि Realme 5s स्मार्टफोन इंडिया के अंदर आया था, तो उसका सक्सेसर Realme 6s भी इंडिया के अंदर आएगा 100%, काफ़ी जल्दी आ सकता है। हो सकता है Realme X3 सीरीज़ के साथ ये इंडिया के अंदर लॉन्च हो, और इसकी प्राइसिंग हो सकती है तकरीबन 11,000 या 12,000 इंडियन रुपए के आसपास, लेकिन यूरोपियन प्राइस को अगर हम कन्वर्ट करते हैं तो वो होती है तकरीबन 16,670 रुपए के आसपास, तो ये काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन इंडिया में यह 11,000 या 12,000 के आसपास ही लॉन्च होगा। अगर इंडिया में लॉन्च होता है तो इस पर मैं अनबॉक्सिंग और इसके कैमरा रिव्यू, पबजी रिव्यू वगैरह भी करूँगा, जिसके लिए आपने करना कुछ नहीं, उनको देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को भी दबा देना है। और अगर ये वाली वीडियो पसंद आई है तो इसको भी आपने लाइक करना है, और आने वाली अपडेट के लिए भी आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं मयंक कुमार, मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।